नमस्कार सभी को। जैसा आप वीडियो आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच गए हैं ऑकुलस के अनुप्रयोग में उच्चतम एवं निम्नतम। आपको बहुत सी चीजें इसके कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लंबा भी है और अक्सर 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि किस ढंग से सिद्ध किया जाएगा। तो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का अर्धवृत्त 27 होता है। यानी कि एक आपको गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब इसके अंदर अगर हम एक शंकु फिट कर रहे हैं, शंकु मैं दिखा रखा डी ए सी, तो उसका जो आयतन होगा, अधिकतम आयतन जो होगा गोले के आयतन का, पूरे गोले के आयतन का अर्धवृत्त 27 भाग होगा। ये आपको सिद्ध करने, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। कैपिटल आर तो आपको दे रखा है, हमने माना शंकु की जो त्रिज्या है स्मॉल वाई ले लीजिए और केंद्र ओ ले रखा है और इतनी हाइट ए ओ बी जो हाइट है वो एक्स ले ली, ओ बी हाइट जो ले ली एक्स ले ली और इसमें ओ बी हाइट जो मैंने ले ली एक्स और बी सी जो त्रिज्या है ये मैंने वाई ले ली। अब आप जानते हैं जो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है वी, मान लेते हैं अगर वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर तो हम इसी की लेंगे गोले की क्योंकि इसका 10 फिट है, तो मैंने इसको ले लिया आर स्क्वायर, सॉरी इसमें एक्स लेंगे क्योंकि शंकु का हमने एक्स मान रखा है, वाई स्क्वायर वाई लेंगे और इसकी जो ऊंचाई आएगी शंकु की ऊंचाई आएगी आर प्लस एक्स आएगी, जो डीबी हाइट आएगी ये त्रिज्या ले लेंगे, डीबी जो हाइट आएगी वो आर प्लस एक्स आ जाएगी, तो वाई स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का वर्ग और हाइट जो आ गई इसकी आर प्लस एक्स। अब जब ध्यान से देखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि तो लंबवृत्त शंकु है, तो अब देखेंगे इसमें एक रिलेशन बनेगा आर और एक्स और वाई में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू जब हम देखेंगे तो आ जाएगी वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, तो जो शंकु का आयतन आएगा वी 1/3 पाई वाई की जगह हम रख देते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स ऐसी रहने दिया। अब इसका अवकलन करेंगे हम, कोई भी चीज को मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हर चीज हमें अवकलन करना जरूरी है आपका, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे डीबी बट्टा डीएक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे क्योंकि आर जो है फिक्स है वो नहीं बदल रहा है, तो केवल हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां पर आर के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, समझने की बात है। तो 1/3 पाई, अब इसमें कुछ एक नोट लगेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर प्लस एक्स में एक्स का हो गया 1, आर का 0 हो गया, प्लस आर प्लस एक्स ऐसी रहा और आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, डीबी बाई डी एक्स 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2rx माइनस 2x स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, सिंप्लीफाई करते रहते हैं, डीबी बाई डी एक्स बराबर 1/3 पाई, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर तो ऐसी रहा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 2rx और माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा इसको हम तो सॉल्व करने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो डीबी बाई डी एक्स बराबर 1/3 पाई, हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर। ये आप समझते हैं कैसे कर रखे हैं गुणनखंड, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे 1/3 पाई
आर स्क्वायर में से आर कॉमन ले लेते हैं, आर माइनस थ्री एक्स प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो आर माइनस थ्री एक्स। तो डीवी बाई डी एक्स आगे बढ़ते हुए क्या निकला देखेंगे, एक बट्टा तीन पाई आर माइनस थ्री एक्स और आर प्लस एक्स। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, आप जानते हैं फॉर मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी चीज दिखानी हो हम उसमें डीवी बाई डी एक्स को जीरो दिखाते हैं। तो इसको अगर हम जीरो दिखेंगे तो ये पार्ट जीरो में चल जाएगा, एक बट्टा तीन पाई जीरो में चल जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे आर माइनस थ्री एक्स और आर प्लस एक्स बराबर जीरो, यानी कि इससे निकला आर बराबर थ्री एक्स और इससे दूसरे से निकला आर बराबर माइनस एक्स। अब आर बराबर माइनस एक्स को हम छोड़ देंगे और समझ जाएंगे क्यों छोड़ा है, और आपके लिए सोचने का बिंदु भी छोड़ा क्यों है, तो केवल हम आर बराबर थ्री एक्स लेंगे, यानी कि आर बराबर थ्री एक्स लेने से एक्स बराबर आ गया आर बाई थ्री। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हो गया जिससे हमें पता चलेगा कि किस बिंदु पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब यही मैक्सिमा है या मिनिमा है आपको बताया गया है, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। तो डीवी बाई डी एक्स जो आपका निकला हुआ था, आपको यहां देखिए डीवी बाई डी एक्स आपका निकला हुआ था एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो एक बट्टा तीन पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का जीरो माइनस टू आर एक्स का माइनस टू आर बचेगा, एक्स स्क्वायर का माइनस सिक्स एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर का माइनस सिक्स एक्स। अब देखिए हम एक्स बराबर आर बाई थ्री यहां रख सकते हैं, उस बिंदु को रख सकते हैं जो मिला है हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो एक बट्टा तीन पाई माइनस टू आर माइनस सिक्स आर बाई थ्री, यानी कि ये हो गया तुम्हारा फोर आर, ये टू आर कट जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा माइनस फोर पाई बाई फोर बाई थ्री पाई, यानी कि ये लेस देन जीरो आ रहा है। देखिए ये लेस देन जीरो आ रहा है, यानी कि डबल डेरिवेटिव जब लेस देन जीरो आता है तो वही मैक्सिमा का पॉइंट होता है, मैक्सिमा निकलता है उसमें, और किस पॉइंट पर निकला, एक्स बराबर आर बाई। तो आपका एक्स बराबर आर बाई थ्री पॉइंट निकल गया, जिससे हम ये कहेंगे कि ये यहां पर एब्सोल्यूट स्थानीय उच्चतम मान आ गया। तो अब हम सिद्ध करने के लिए एक्स का मान आर बाई थ्री जो निकला है वो हम मूल जो हमने यहां पर रखा था प्रश्न यहां पर रख देते हैं। तो एक्स बराबर आर बाई थ्री मैं यहां पर रखता हूं, तो आपको यहां पर देख लीजिए कैसे निकला है, वी बराबर है एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स प्राप्त हुआ था आपको। तो एक्स बराबर आर बाई थ्री रख देते हैं अगर हम, तो वी बराबर एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर एक्स की जगह आर बाई थ्री, यानी कि आर स्क्वायर बाई एक्स बराबर आर बाई थ्री है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई नाइन, और एक्स आर प्लस एक्स की जगह फिर से आर बाई थ्री, तो वी बराबर आपका आ गया एक बट्टा तीन पाई नाइन नाइन आर स्क्वायर एट आर स्क्वायर बाई नाइन आ जाएगा, और थ्री फोर आर बाई थ्री आ जाएगा। अब आप देखिए आपको आठ बट्टा सत्ताईस निकालना है, आठ बट्टा सत्ताईस निकालना है, तो उसमें आठ बट्टा सत्ताईस अलग कर लेते हैं, तो आठ बट्टा इतना पार्ट और इतना पार्ट अलग कर लेते हैं, तो आठ बट्टा सत्ताईस ये अलग हो गया आपका पाई, और चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब अलग कर लेते हैं इसमें से पाई आर क्यूब। अब देखिए आप जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है, चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब होता है, और आठ बट्टा सत्ताईस ये पाई को हटा देंगे, पाई मैंने यहां लिख दिया है, तो आठ बट्टा सत्ताईस जो गोले का आयतन है चार बट्टा तीन, इसको मैं यहां पर लिख दूं अगर गोले का आयतन, गोले का आयतन ले लेता हूं, तो जो आपका सिद्ध करने वाला पार्ट है वी बराबर आठ बट्टा सत्ताईस गुणा चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब, ये आपका सिद्ध करने वाला पार्ट आपको प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन जरा लंबा है और आपको ये
थोड़ा इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपको बार बार करने की, तब तक आपको एग्जामों में समय लग जाएगा इसको, तो उससे करने से पहले, एग्जामों से पहले आप इसकी 3 या 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगला हम प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में।